हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को याद करने का सबसे आसान तरीका। याद रखिएगा, इसके बेसिक्स भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये याद रखना है दोस्तों, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और उन मौलिक कर्तव्यों को बड़ी ही आसानी से याद किया जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य एक में क्या है, दो में क्या है, तीन में, और तीन से लेके 11 तक में क्या क्या है। कई बार यदि टफ क्वेश्चन यूपीएससी को देना होगा या फिर स्टेट पीसीएस को या जिस भी परीक्षा का आप एग्जाम देते हैं वहां पे पूछ लेगा कि भाई जो ग्रीन जो पर्यावरण है उसका प्रोविजन कौन से फंडामेंटल राइट में है, या राष्ट्रगान का प्रोविजन या देश की सेवा का प्रोविजन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो फिर आपको ये ट्रिक्स वहां पे बहुत अच्छे से काम आने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है, आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यू देने का अनुभव है, एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। 6 टाइम मेरा यूजीसी नेट क्लियर है दोस्तों। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, आईएएस मेंस और ऑल जितने भी पीसीएस में इनसे सब में मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ललिता दहिया एकेडमी, यहाँ पे जुड़ जाइए फटाफट। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों उतना शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की। मोटे तौर पर हमको पता है दोस्तों कि मूलतः जब स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य थे यानी फंडामेंटल ड्यूटीज थे, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य होना चाहिए क्या कि 1, 2, 3, 1 से लेकर 11 है ना, इसको हम लिख देंगे। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये हैं 11 मौलिक कर्तव्य। फटाफट ट्रिक याद करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमको पता है राष्ट्रगान मतलब एंथम, तो याद रखिएगा एंथम यानी राष्ट्रगान की बात किसमें है, तो पहले मौलिक कर्तव्य यानी 51(1)(a)(a) में, यानी पहले मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान के आदर करने की बात करता है। तो पूरी लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक छोटे छोटे ट्रिक याद करने हैं कि भाई ये कौन से मौलिक कर्तव्य में था। तो याद रहेगा संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान यानी एंथम ए में है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उसका पालन करें। तो बी से आप दो चीजें याद रख सकते हैं, भगत सिंह भी और बापू भी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से दोनों संबंधित थे, भगत सिंह भी और बापू भी, बापू मतलब महात्मा गांधी। तो बी यानी दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या होगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तीसरा मौलिक कर्तव्य सी यानी संप्रभुता। सी वैसे तो सोवरेनिटी एस से शुरू होता है, लेकिन हम हिंदी में इसको एक लिंक से याद कर सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण बनाए रखें। तो सी मतलब संप्रभुता, ठीक है। डी देश की रक्षा करें। तो हमको क्या याद रखना है दोस्तों, डी फॉर डिफेंस यानी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये कौन से मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा, यानी चौथे मौलिक कर्तव्य डी में, देश की रक्षा करना यानी डिफेंस की बात आ जाएगी। अगली बात करते हैं दोस्तों ई की, ई फॉर इक्वेलिटी, ठीक है। तो इक्वेलिटी यानी भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश, वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, और सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इक्वेलिटी की बात कहाँ पे हो रही है, तो ई में इक्वेलिटी की बात हो रही है, चाहे वो सभी लोगों के बीच बंधुत्व की भावना है या फिर महिलाओं के सम्मान यानी महिलाओं की गरिमा की बात है।
तो ये बात कहां पे हो रही है, ई से इक्वलिटी में। बात करते हैं दोस्तों एफ, एफ में आपको याद रखना है सामसिक संस्कृति। जो सामसिक संस्कृति, इसको आप याद रख सकते हैं फैंसी कल्चर से, फैंसी कल्चर यानी सामसिक संस्कृति, फैंसी कल्चर की बात की गई है। वैसे तो सामसिक संस्कृति में इंग्लिश में कंपोजिट कल्चर बोलते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने के क्रम में फैंसी कल्चर के नाम से, यानी फंडामेंटल 51 ए एफ में सामसिक संस्कृति की बात है। अगली बात आते हैं दोस्तों जी, जी फॉर ग्रीनरी यानी पर्यावरण की बात कहां पे होगी, 51 ए जी में, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं, उनकी रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात कहाँ है, जी में है, यानी ग्रीनरी में है। उसके बाद आता है जी के बाद एच, एच मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, एच फॉर ह्यूमैनिटी, एच फॉर ह्यूमैनिटी, यानी दोस्तों एच जहां पे भी मानववाद आए वो 51H यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, आठवां H मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आता है दोस्तों H के बाद आता है I, I इनकम, I से क्या हो जाएगा, इनकम मतलब संपत्ति, एक तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो I का मतलब है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, तो I में क्या हो जाएगा, संपत्ति की बात है। J में याद रखिएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। तो ध्यान रखिएगा J से ज्वाइंट, J से सामूहिक गतिविधियां, यानी ज्वाइंट जो भी कार्य होंगे उसकी बात की गई है, किसमें, 51 ए जे में। अगली बात है दोस्तों के, के से याद रख लेना कर्तव्य, किसका कर्तव्य, माँ बाप का कर्तव्य या अभिभावकों का कर्तव्य कि वो 6 से 14 वर्ष तक के उम्र की बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएं। इसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ट्रिक्स हमको यही याद रखनी है। याद हुआ तो फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों, ए मतलब एंथम यानी राष्ट्रगान की बात है पहले मौलिक कर्तव्य में, बी मतलब बापू या भगत सिंह यानी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात है दूसरे मौलिक कर्तव्य में, सी मतलब संप्रभुता की बात है तीसरे में, डी मतलब डिफेंस यानी देश की रक्षा की बात है चौथे मौलिक कर्तव्य में, ई मतलब इक्वेलिटी की बात है कहां पे, समरसता, समान भ्रातृत्व, बंधुत्व, इक्वेलिटी की बात है कहां पे, ई में, यानी पांचवें मौलिक कर्तव्य में। यानी फैंसी कल्चर, सामसिक संस्कृति के संरक्षण की बात कहां है दोस्तों, छठे मौलिक कर्तव्य में। ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब पर्यावरण की, पर्यावरण के संरक्षण की बात है सातवें मौलिक कर्तव्य में। आठवें मौलिक कर्तव्य मतलब एच मतलब ह्यूमैनिटी, मानववाद की बात है आठवें में। नौवें मौलिक कर्तव्य यानी आई इनकम यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर, यानी इनकम यानी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की बात है नौवें मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। और दसवां मौलिक कर्तव्य यानी जे ज्वाइंट जो भी गतिविधियां हैं, दसवां। और ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य है कर्तव्य यानी माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हैं उनको शिक्षा मुहैया कराएं। ये है के यानी ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य में। होप आप लोगों को 1 से लेके 11 तक फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल टिप्स पे हो गए होंगे। याद रखना दोस्तों यहां से टफ क्वेश्चन बन सकता है, वो दे देगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, ये कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में है, 51A मतलब 51A जो है ना, मतलब 1 में 2 में 10 में 9 में, तो हमको याद रखना है कि भाई जे तो 10वें मौलिक कर्तव्य में ये है। होप आप लोगों को यहां तक याद हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी के मूल विचार की। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि मूल संविधान में, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समेत, ये यहां पे लिखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, ठीक है, भाग 4A जोड़ा गया। और 51A के तहत, इस 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, यानी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 51 ए 1, 2, 3 या फिर इसे हम ए बी सी डी से लेके के तक इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, तो गलत हो जाएगा। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगली बात, इन्हें नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा ये विधिक दायित्वों से अलग है, यानी विधिक जो कर्तव्य होते हैं उनसे अलग है, बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं फिर से एक बार 2 मिनट में क्विक रिवीजन कराऊंगी। ये कहां से इनकी प्रेरणा ली गई, तो दोस्तों हमको ध्यान रखना है सोवियत संघ, यूएसएसआर, साम्यवादी देश, समाजवादी देश, तो वहां पे लोगों के कर्तव्यों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इनका विचार हमने सोवियत संघ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। मूल कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान है बहुत सारे लोकतांत्रिक देश जैसे यूएसए है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। हालांकि भारतीय संविधान में इसके अपनाए जाने का कारण क्या था, भारतीय संस्कृति, भौगोलिक विविधता, देश की एकता, अखंडता, एक्टिव जो सिटीजनशिप की अवधारणा, ताकि लोग एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करें राष्ट्र की एकता अखंडता में, तो ये इसका उद्देश्य था फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने का। ठीक है, अगली बात आपको पता ही है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रख लीजिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यही है मौलिक कर्तव्य। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। ए मतलब एंथम, बी मतलब बापू या भगत सिंह, सी मतलब संप्रभुता, डी मतलब डिफेंस, ई मतलब इक्वेलिटी, एफ मतलब फैंसी कल्चर, जी मतलब ग्रीनरी यानी पर्यावरण, एच मतलब ह्यूमैनिटी यानी मानववाद, आई मतलब इनकम यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, जे मतलब ज्वाइंट जो भी गतिविधियां हैं वो, और के मतलब कर्तव्य माता पिता का। होप आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे इनको ऐड किया गया, भाग 4A में ऐड किया गया और अनुच्छेद 51A में ऐड किया गया। 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, नैतिक दायित्व के रूप में है और हमने कहां से लिए हैं जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिए हैं। स्वर्ण सिंह समिति आप लोगों को बता चुकी हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको सच में समझ में आया है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ पे आप IAS, PCS और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी मैं आपको बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ कराती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और मेरे टेलीग्राम चैनल ललित अधैया अकेडमी से जुड़िए। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF आपको यहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।